दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए एक और अच्छी भर्ती लेके आए हैं दोस्तों। और इस भर्ती में आपको बताएंगे दोस्तों, सभी राज्यों के कैंडिडेट्स को अप्लाई कर सकते हैं। शानदार भर्ती है आप लोगों के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, केंद्रीय विद्यालय यानी कि सेंट्रल स्टाफ नर्स भर्ती होने वाली है आपके लिए। और GNM और BSc नर्सिंग वाले कैंडिडेट्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी जो लास्ट डेट होने वाली है 22 फरवरी होने वाली है। तो जल्दी से वीडियो को देखें और सारी जानकारी प्राप्त करें कौन कौन और कैसे अप्लाई करना है दोस्तों। शानदार खुशखबरी आपके लिए, ठीक है। तो दोस्तों, ऐसे ही हम आपके लिए लेटेस्ट वैकेंसी लेके आते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली गई हैं। हम यहाँ पे आपको नर्सिंग स्टाफ से, जो स्टाफ नर्स से रिलेटेड है, वहाँ पे वैकेंसी के बारे में बताएंगे और आपको कैसे अप्लाई करना है वो सारी जानकारी सिक्वेंस से अच्छे तरीके से आपको बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये मध्य प्रदेश से निकाली गई है दोस्तों, ठीक है। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 रीवा जो डिस्ट्रिक्ट है उससे निकाली गई है दोस्तों। यहाँ पे आपके लिए डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाला है और आपको डायरेक्ट दे दी जाएगी। सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा दोस्तों, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं दोस्तों। ऐसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं, केंद्रीय विद्यालय, ठीक है, रीवा इंदिरा नगर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद में यहाँ पे आपको लेटर देखने को मिलेंगे और इस तरीके से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से डाउनलोड करने के बाद में हम आपको वो लेटर कम्प्लीट दिखा देते हैं दोस्तों। क्या कंडीशंस है यहाँ पे देखिए, ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये 2022-23 के सत्र के लिए निकाली गई है। यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं, उनको भरने के लिए 18 से 64 साल के कैंडिडेट्स को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो कंडीशंस हैं आगे, यहाँ पे जो सीधे आपका इंटरव्यू होने वाला है, इंटरव्यू कब होने वाला है मेरे दोस्तों, इंटरव्यू यहाँ पे आपको 21 को और 22 को होने वाला है। यहाँ पे जो इस विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वहाँ से आप इसकी जो है ये लेटर डाउनलोड करने के बाद में अब वहीं से आपके लिए वो है एप्लीकेशन फॉर्मेट भी डाउनलोड होगा। वो फॉर्म भर के आप अच्छे तरीके से एक सेट स्वयं प्रमाणित छाया प्रतियों एवं पासपोर्ट आकार के फ़ोटो के साथ में विद्यालय में सुबह 8 से 10 बजे के मध्य पंजीकरण हेतु उपस्थित हो जाएं। जैसा कि दोस्तों इसमें बताया गया है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके और विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका जो फॉर्म है वो फिल करके और यहाँ पर सुबह 8 से 10 बजे के बीच में आप विद्यालय में पहुँच जाएँ। आवेदन पत्र एवं अन्य जानकारी वेबसाइट की, वेबसाइट यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, वो आप वेबसाइट सर्च करके आपको सारी जानकारी और भी मिल जाएंगी। अब मैं दोस्तों वैकेंसी के बारे में बताऊंगा, यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट में आपके लिए वैकेंसी निकाली गई हैं। यहाँ पे सैलरी आपके लिए काफ़ी अच्छी है। टाइम एंड कंडीशंस देख के, अच्छा एक्सपीरियंस देख के आपका यहाँ पर जो है कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसियाँ हैं, लेकिन हम बात करेंगे स्टाफ नर्स के बारे में। यहाँ पे टीचर्स की वैकेंसी भी निकाली गई हैं, ठीक है, क्योंकि जो स्कूल है ये केंद्रीय स्कूल है, वैकेंसी निकाली जा रही हैं, काफ़ी वैकेंसियाँ थी। तो यहाँ पर जो बात करेंगे दोस्तों, 7 नंबर पर आप देख रहे होंगे नर्स के लिए। सबसे बढ़िया बात यह है दोस्तों, GNM और BSc नर्सिंग वाले कैंडिडेट्स को अप्लाई करेंगे, चाहे वो कहीं से भी उन्होंने GNM और BSc नर्सिंग की हुई हो। जो टाइमिंग है आपका इंटरव्यू का, यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, देखिए 22/2/2022 9 AM, ठीक है, ऑनवर्ड, ये आपका टाइमिंग है। और दोस्तों सैलरी आपकी काफ़ी अच्छी है, पर डे के आपको 750 यानी कि 750 रुपये मिलेंगे, जो कि एक अच्छी सैलरी हो जाती है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों अच्छी भर्ती है ये, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भर्ती आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इसको भरने के इच्छुक हैं तो ज़रूर भरें दोस्तों, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हैं लेकिन सैलरी कम होती है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए अच्छी होगी और यहाँ पर वर्कलोड भी ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और नए नए वीडियो पाने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। तो अभी के वीडियो में यही, और जल्दी से ही आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों।